नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट फाइव। मैं हूं श्रुति शर्मा और इस वक्त की बड़ी खबर, टाटा स्टील ने यूके में अपने लॉन्ग प्रोडक्ट यूरोप बिजनेस को बेच दिया है। इन्वेस्टमेंट फर्म ग्रेबल कैपिटल ने कंपनी का यह कारोबार खरीदा है और दोनों के बीच ये डील करीब 4,000 करोड़ रुपए में हुई है। डील में टाटा स्टील के स्कॉन्थ्रोप स्टील वर्क, टाइस और उत्तरी फ्रांस की मिले, वर्किंगटन की इंजीनियरिंग वर्कशॉप, यॉर्क में मौजूद एक डिजाइन कंसल्टेंसी और कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज शामिल हैं। ब्रिटेन की सरकार इस डील को पर नजर रखे हुए है। टाटा स्टील ने ग्रेबल कैपिटल के साथ पिछले साल दिसंबर में मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट साइन किया था। हालांकि इस दौर में लिबर्टी हाउस समेत कुछ दूसरे स्ट्रेटेजिक बायर्स भी शामिल थे। सूत्रों की माने तो डील के बाद कंपनी का नाम बदलकर ब्रिटिश स्टील किया जा सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता उशांक के पास। उशांक, बताएं पूरी डील के बारे में फिलहाल। थैंक यू। सो बेसिकली अभी जो है स्कंथ्रोप का जो लॉन्ग प्रोडक्ट स्टील का बिजनेस है कंपनी का टाटा स्टील का, उसे सेल ऑफ किया गया है और करीबन माना जा रहा है 400 मिलियन पाउंड्स के नंबर के ऊपर इसे सेल ऑफ किया जा रहा है। इनफैक्ट क्लैरिटी ये चीज़ पे नहीं है कि इसका डेट कितना रिड्यूस होगा कंपनी के लिए, ओवरऑल कंपनी के लिए। पर अगर आप ये बिजनेस की स्पेसिफिकली बात कर लीजिए तो ये करीबन 25% ओवरऑल जो टाटा स्टील का यूके बिजनेस है उसमें से जो स्कंथ्रोप वाला बिजनेस है वो करीबन 25% है, जिसमें से लॉन्ग प्रोडक्ट्स वाला जो बिजनेस है जो सेल ऑफ अभी हुआ है वो ऑलमोस्ट 15% है और करीबन 2.2 मिलियन टन्स का इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है। बट एक अंडर यूटिलाइज्ड प्लांट है कंपनी का, तो कहीं ना कहीं ये जो सेल प्रोसीड है कंपनी के लिए ये पॉजिटिव है, बिकॉज यहाँ से काफ़ी लॉस हो रहा था कंपनी के लिए और शायद ये मूव स्टॉप लॉस करेगा। जी उषांक, आप हमारे साथ बने रहिए। अविनाश गौरक्षकर मार्केट एक्सपर्ट है हमारे साथ। अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे क्या एक तरह से इस टाटा स्टील के बेहतर दिन अब आने वाले हैं, ऐसा माना जा सकता है इस खबर के बाद? नहीं बिल्कुल, इनफैक्ट ये जो ग्रेबुल की डील हुई है इसमें 400 मिलियन पाउंड का जो अरेंजमेंट है, इससे एक बात तो सही है कि दोनों ही प्लांट टाटा स्टील के लिए लॉस मेकिंग थे और वो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लेवल पे थे जी। तो अगर हम नेट लॉस देखें तो काफी सिग्निफिकेंट था, तो मेरे ख्याल से ये मार्केट को एक पॉजिटिव सरप्राइज है। ऑल्दो स्टॉक थोड़ा सा भागा है कल के मार्केट में, मुझे लग रहा है कि इसमें डेफिनेटली एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलेगा। और रही बात अर्निंग्स की, तो मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट की कॉमेंट्री काफी पॉजिटिव है और इसमें डेफिनेटली आपको FY17 में होपफुली 8 हफ्तों का इन्होंने टाइम मांगा है, तो FY17 में इसका थोड़ा बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अविनाश, कल जब बाजार खुलेगा तो स्टॉक की नजर से किस तरह से देख रहे हैं इस खबर को, कैसा रहेगा स्टॉक मार्केट का नजरिया? नहीं, मुझे लग रहा है, देखिए टाटा स्टील तो वैसे भी मेटल में हाई बीटा काउंटर है और जब भी कोई अच्छी खबर आती है तो स्टॉक में अच्छा उछाल देखने को मिलता है जी। मुझे लग रहा है कि हालांकि स्टॉक थोड़ा सा भाग चुका है और थोड़ा सा ये न्यूज मार्केट ने ऑलरेडी थोड़ी डिस्काउंट की थी, मुझे लग रहा है कि शायद 3-4% का मूव देखने के बाद शायद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन ओवरऑल डेफिनेटली कल सुबह के अर्ली मॉर्निंग सेशन में थोड़ा सा अपटिक के साथ ही स्टॉक खुलना चाहिए जी। एक आखिरी सवाल आपसे कि ये बिजनेस वैल्यूएशन जो बाकी कंपनीज का क्या लगता है आपको, अब कैसा रहेगा अब जब टाटा स्टील की डील हो चुकी है तो? नहीं, मेरे ख्याल से डेफिनेटली पॉजिटिव है क्योंकि ये जो डील हुई है मेरे ख्याल से क्लियरली एक बात क्लियरली है कि जो गलती टाटा स्टील ने यूके के कोरस एसेट्स लेके की थी, मेरे ख्याल से काफी टाइम के बाद ये लॉस कम होगा और मेरे ख्याल से ये काफी सारी कंपनीज भी सोचेंगी कि जब रिस्ट्रक्चरिंग हो तो अभी बैलेंस शीट रिपेयर करके अभी मौका अच्छा है, तो मेरे ख्याल से दिस इज अ गुड बिगनिंग जी। बिल्कुल अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उशांक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी खबर पे हमें अपडेट देने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहरहाल मॉनसून के अच्छे अनुमान आंकड़े रहने के चलते भारतीय बाजारों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली है। कारोबार में सत्र में बाजार में उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है। कारोबारी सत्र के आखिर में आई खरीदारी के चलते निफ्टी 7,600 और सेंसेक्स 25,000 के स्तर के पार बंद हुए। आज के कारोबार में सेंसेक्स 348 अंक और निफ्टी 116 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। आज के कारोबार में टेलीकॉम, ऑटो, बैंकिंग और टेक शेयरों में जमकर खरीदारी देखने को मिली है। आज के कारोबार में कोई भी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान में बंद नहीं हुआ। निवेश जब आप कर रहे हैं तो कम से कम 2 क्वार्टर से 1 साल का लेके चलेंगे, तो उस दृष्टि से मैं ये मानता हूँ कि इस वक्त कोई फुल्ली इन्वेस्टेड रहने में भराई नहीं है। जो
रिस्क तो थोड़ा बहुत है इस बात को लेके कि रिजल्ट समर किस तरह से आते हैं, और उसके बाद में मानसून रिस्क ना होके एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगा, तो वो किस कितने उस पर पॉजिटिव न्यूज़ आते हैं। तो ये जो इस वक्त तो मानसून को देख के आप अपना इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएं। मॉनसून रिलेटेड ट्रिगर है जिसके चलते वो स्टॉक तो चल ही रहे, बट ओवरऑल आज सारे सेक्टर्स ने इनफैक्ट इस रैली में पार्टिसिपेट किया, तो ये शो करता है कि ये रैली ओवरऑल आगे जाके इस मंथ में भी बिल्टअप होगी। ओनली थिंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से शायद एक आध दिन तो इसमें करेक्शन आ जाए क्योंकि छोटा सा हफ्ता है, बट आई एम वेरी बुलिश कि इस बार इस पूरे महीने में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा और 7,800 का लेवल हम जल्दी ब्रीच होता निफ्टी में देखेंगे। और आज बाजार में तेजी की क्या क्या वजह रही है, आइए एक नजर डालते हैं, आपको बता देते हैं। बाजार में तेजी की वजह रही मॉनसून में बेहतर रहने की उम्मीद। जी हां, एक रिपोर्ट के मुताबिक माना जा रहा है कि मॉनसून अच्छे रहेंगे। विदेशी बाजारों से भी काफी पॉजिटिव संकेत मिले हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए में काफी मजबूती देखी गई है, एक ये भी कारण रहा कि काफी तेजी रही इस बार जो है मार्केट में। FIIs की भी भारतीय बाजारों में काफी खरीदारी हुई और साथ ही साथ कच्चे तेल की कीमतों में काफी उछाल देखा गया, ये भी एक पॉजिटिव रीजन रहा। IIP के आंकड़े बेहतर रहने की उम्मीद है, ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट लेके आया है मार्केट के लिए। तो ये थे कारण जिसकी वजह से बाजार में आज काफी तेजी देखी गई। बहरहाल मौसम विभाग के पहले पूर्वानुमान के मुताबिक मॉनसून के मोर्चे पर अच्छी खबर आने वाली है। कृषि सचिव ने उम्मीद जताई है कि इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून सामान्य रहेगा। इससे पहले भारत सरकार की एजेंसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM ने भी इस साल सामान्य मॉनसून की उम्मीद जताई है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की वेदर एजेंसीज ने भी सामान्य मॉनसून का अनुमान जताया है। जानकारों का मानना है कि लगातार तीसरे साल सूखे की संभावना बेहद कम होती है। इसके अलावा एल नीनो का असर भी कम हो रहा है, जो मॉनसून के लिए अच्छी खबर है। पिछले दो साल में लगातार मॉनसून से कम बारिश हो रही है। मौसम विभाग कल मॉनसून का पहला पूर्वानुमान जारी कर सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यों से कहा है कि वो वित्त घाटा कम करने पर जोर दें और इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के कामों पर ज्यादा खर्च करें। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्र के टैक्सों में राज्यों की हिस्सेदारी लगभग 42% तक बढ़ गई है। ऐसे में राज्यों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पैसे को सही जगह खर्च करें। देयर इज नाउ एन इंपॉर्टेंट नेशनल फोकस दैट लार्जर एक्सपेंडिचर मस्ट बी स्पेंट into the social sector, into infrastructure creation, into rural areas. These are the areas which have been conventionally found lacking in the past. We'll also have to ensure that some of the states, depending on parameters, have been given some additional fiscal space. But all of us will have to learn to live and spend within the means and stick to the financial discipline. और बात विजय माल्या की, विलफुल डिफॉल्टर विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो सकता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के तीसरे समन के बावजूद विजय माल्या 9 अप्रैल को ईडी के सामने पेश नहीं हुए, लिहाजा आज ईडी कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी करने की अपील कर सकता है। इसके अलावा ईडी कुछ दूसरे कानून और पहलुओं पर भी विचार कर रहा है। ईडी माल्या का पासपोर्ट जब्त करने के लिए भी विचार कर रहा है। थोड़ी देर में जांच एजेंसी इस मामले पर फैसला ले सकती है। ईडी माल्या की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही है कि बैंकों से कर्ज लेकर उस रकम को कैसे देश से बाहर ट्रांसफर किया गया। माल्या ने ईडी से पेश होने के लिए मई तक का वक्त मांगा है। और सर्विस टैक्स विभाग ने विलफुल डिफॉल्टर विजय माल्या की संपत्तियां बेचने की भी तैयारी तेज कर ली है। सर्विस टैक्स विभाग जल्द ही माल्या की संपत्तियों की नीलामी करेगा। सर्विस टैक्स विभाग माल्या की जिन संपत्तियों की नीलामी करेगा उनमें 4 एयरक्राफ्ट इंजन, 1 हेलीकॉप्टर और 1 कॉर्पोरेट जेट शामिल है। टेक्निकल सपोर्ट के लिए सर्विस टैक्स विभाग ने एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज की नियुक्ति की है। सर्विस टैक्स विभाग का विजय माल्या पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है।
और सरकार पॉलिसी में 5 बड़े बदलावों पर काम कर रही है जिससे टेलीकॉम इंडस्ट्री की दिशा बदल जाएगी। इसका एक बड़ा फायदा 4G सेवाएं शुरू करने की तैयारी कर रही रिलायंस जियो को भी होगा। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार इस हफ्ते आईपी बेस्ड इंटरकनेक्शन को मंजूरी दे सकती है। इसके लिए यूनिफाइड लाइसेंस में बदलाव होगा जिसके बाद कंपनियां VoIP और VoLTE सेवाएं दे सकेंगी। इसके अलावा आधार के जरिए सिम कार्ड तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। इतना ही नहीं, टेलीकॉम कंपनियां CDMA स्पेक्ट्रम का मनचाहा इस्तेमाल कर सकेंगी। इसके लिए जल्द ही नियम नोटिफाइड होंगे और इसके बाद रिलायंस कम्युनिकेशंस और रिलायंस जियो स्पेक्ट्रम शेयरिंग कर सकेंगे। सरकार ब्रॉडबैंड के लिए 1% स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज लगाने पर भी विचार कर रही है।